उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कैब ड्राइवर की पिटाई करने की आरोपी लड़की ने अपनी सफाई दी है। पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज होने के बाद लड़की सामने आई और कहा कि मैंने अपनी सुरक्षा में युवक को पीटा था। इसके साथ ही लड़की ने कहा कि मुझे हार्ड किडनी की प्रॉब्लम है और ब्रेन की भी प्रॉब्लम है। अपनी सफाई में लड़की ने कहा कि ट्रैफिक सिग्नल रेड होने के बावजूद कैब ड्राइवर तेजी से कार चला रहा था। लड़की ने आरोप लगाया कि युवक ने ट्रैफिक कानून का पालन नहीं किया, इस वजह से मैंने अपनी सुरक्षा में युवक को पीटा है। मैं उसको नहीं रोकती तो मुझे मार देता। लड़की का आरोप है कि कार सवार लड़के मुझे 300 मीटर तक मारते ले गए और यह किसी सीसीटीवी में नहीं दिखाई पड़ा। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी की भी प्रॉब्लम है, ब्रेन की भी प्रॉब्लम है। मैं हमेशा की तरह वहाँ से वॉकिंग के लिए जा रही थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को इससे कोई मतलब नहीं था। वहीं इस मामले पर कैब ड्राइवर सादर अली ने आज तक को बताया कि जब वो लड़की उसकी गाड़ी के सामने आई तब ग्रीन लाइट थी, उसके बाद भी उसने तुरंत ब्रेक मारकर गाड़ी रोकी, जिसके बाद वह लड़की गाड़ी को धक्का देने लगी। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला, मोबाइल लिया और तोड़ दिया, इसके बाद मुझे निकल कर पीटने लगी। मुझे लगा कि सादे कपड़ों में कोई पुलिस महिला है। मैं बिना गलती के माफ़ी मांगने लगा। उसने बिना रुके ही मुझे 20 से ज़्यादा थप्पड़ मार दिए, मेरे पैसे भी ले लिए, गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया। अब यह मेरे आत्मसम्मान की बात है, अगर उस लड़की को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं आज आत्महत्या कर लूँगा। इसके अलावा ड्राइवर ने पुलिस पर आरोप लगाया कि लड़की का पक्ष लिया और मेरी बात सुने बिना ही मुझे लॉकअप में डाल दिया गया और गाड़ी भी जब्त कर लिया गया। अगले दिन मुझसे 10,000 रुपये लिए गए और तब गाड़ी छोड़ी गई। मुझे पुलिस से भी शिकायत है कि अब तक उसे क्यों नहीं पकड़ा गया है, जबकि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि क्या हुआ था। मेरी गाड़ी की स्पीड कम थी, अगर 40 होती तो जबेरा लाइन क्रॉस कर चुकी होती। अब मैं एक गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर हूँ, किसी को चेहरा नहीं दिखा सकता, घर वालों से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ। कौन जिम्मेदार है इसका? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, अपनी रोजी रोटी के लिए कमा रहा था। वही लड़की का कहना है कि रेड लाइट पर जब गाड़ी ने उसे टच किया, इसके बाद उसने ड्राइवर का फोन तोड़ा और उसे मारा। पुलिस और लोग मौके पर इकट्ठा होकर तमाशा देखते रहे। 100 लोगों के सामने ड्राइवर ने मुझ पर हमला किया, मैंने अपनी सुरक्षा में उस पर हाथ उठाया, बाकी लोग सिर्फ तमाशा देखते थे।